हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको माइको बैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जिसे बोलते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। माइको बैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है जिसमें फेफड़े के सेल्स वो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड कर दिए जाते हैं और उसके बाद आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे आदमी मरने लगता है। पर आपको पता होना चाहिए कि आज उसके लिए दवा अवेलेबल है। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस का दवा, एचआईवी का दवा, कैंसर का दवा बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। तो अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लेते तो आप ठीक हो सकते हो। पर आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हैवी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, ऐसी दवाएं भी बेअसर हो रही हैं माइको बैक्टीरियम को ट्रीट करने के लिए। तो बहुत सारी अब ऐसी स्ट्रेंस आ गई है जिनको MDR कहते हैं, जिन पर दवाइयों का कोई असर नहीं होता और जिसके कारण पेशेंट्स मरते हैं। तो अगर आपको इस बीमारी से प्रिवेंशन करना है तो आपको जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो उसे एक सेफ डिस्टेंस बना के रखें। एक्चुअली माइको ट्यूबरक्लोसिस जो होता है टीबी, वो छींकने, जूठा खाने और आप कह सकते हो कि बॉडी फ्लूइड से मोस्टली फैलता है, ठीक है। बाय अवॉइडिंग दिस थिंग्स, आप अगर इन चीज़ों से दूर अवॉइड करोगे तो शायद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और प्रॉपर हाइजीनिक कल मेंटेन करो, अच्छा खाना खाओ और आप तुम्हारे को टीवी से आप बचे रह सकते हो।